पिछले तीन दिन मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के सिलसिले में इंडिया जाऊं। वहां एक पंडित साहब से मुलाकात हो गई मेरी। उनके ऑफिस में मैं बैठा हुआ था तो सडनली मेरी नजर पड़ी कि एक रग उस ऑफिस की दीवार पर लटका है, उस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। मेरे साथ जो साहब थे वो हिंदी जानते थे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये हिंदी में क्या लिखा है, क्योंकि उस पर नजर पड़ने के बाद मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि ये कोई कोटेशन है इनकी किसी मजहबी किताब से। उन साहब ने जो तर्जमा बताया उस तर्जमे को सुन के मैं ये दिल में कहता रहा कि मैं नाहक इन पंडित साहब के साथ इनके दफ्तर में आया। ना आता तो अच्छा था, क्योंकि वो इतना शर्मिंदा हो गया उस तर्जमे को सुनकर। मैं जिन साहब ने वो तर्जमा सुनाया उन्होंने बताया कि वो हिंदुओं की मुतवर्रक किताब गीता, उससे एक कोटेशन है। वो कोटेशन ये थी कि कल जो गुजर गया उसमें जो कुछ हुआ वो अच्छा था, आज का दिन जो गुजर रहा है और आज जो हो रहा है वो भी अच्छा है, आने वाले कल में जो होगा वो भी अच्छा होगा। मैंने यूं फील किया कि मेरे अमाल के पेश नजर ये जोरदार तमाचा मुझे लगा है कि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम की असास तो ईसार और कुर्बानी पर है। ये भी एक तरह की कुर्बानी है कि इंसान अपने तमाम इरादों और ख्वाहिशात और तमन्नाओं को अल्लाह के इरादों के मातहत कर दे। अगर मेरा दिल ये चाह रहा है कि मुझे पेट भर के रोटी आज मिल जाए और पेट भर के रोटी खाने के बजाय मुझे फाके का सामना करना पड़ गया, तो मैं उसको बड़ी खुश दिली से कबूल कर लूं कि वो मेरे रब का अता करना है। क्योंकि मोमिन की मेराज यही है कि जब वो अपने इरादों को, अपने मंसूबों को, अपने ख्वाहिशात को अल्लाह के इरादों के मातहत कर दे तो वो मुतवक्कल हो जाता है, जिसको हम तवक्कल कहते हैं। तवक्कल का दूसरा नाम अपने तमाम इरादों, मंसूबों और ख्वाहिशात को अल्लाह के इरादों के मातहत करना है, जबकि इसके बरक्स हम हर काम में रब ताला को सजेस्ट करते रहते हैं। अल्फाज बहुत सख्त हैं, शायद वो पसंद ना आए आपको, लेकिन हकीकत यही है कि हम अल्लाह से ये कहते हैं दुआ करते वक्त कि या अल्लाह तू सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त है,
तो जो चाहता है वो करता है, किसी में जरूरत नहीं कि तेरे इरादों को बदल सके। कोई पत्ता तेरी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। या अल्लाह, तू मेरी ट्रांसफर से उबरा कर दे। अब एक तरफ तो रब को मैं ये कह रहा हूं कि तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, तू ये बेहतर जानता है कि तूने कोई काम मेरा कब करना है। ये भी मेरा ईमान है कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और वो काम अपने वक्त मुकर्रा पर होता है। किसी में ये ताकत नहीं है कि जो वक्त तूने मुकर्रर कर दिया है उसको तब्दील कर सके। ये सब वजह को मैं कहता हूं और उसे कहता हूं कि मेरा ईमान यही है, लेकिन साथ उसको कहता हूं कि मेरी ट्रांसफर से खुबरा कर दे। अब दूसरे लफ्जों में दरहकीकत मैं अल्लाह ताला को सजेस्ट कर रहा हूं कि मुझे मालूम है कि शेखुपरा ट्रांसफर मेरी अगर हो जाए तो मेरे हक में बेहतर होगी, तो तू वो कर दे। मैं ये नहीं उसे कहता कि यह बारी ताला तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या अच्छा क्या बुरा, और ये मेरा ईमान है कि तू सिर्फ वही करता है जो मेरे हक में बेहतर होता है। अगर तू ये समझता है कि मेरी मौजूदा प्लेस ऑफ वर्क से मेरी ट्रांसफर मेरे हक में होगी तो तू इसे उस जगह ट्रांसफर कर दे जो मेरे हक में बेहतर है। तो अगर दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, और अगर दुआ कबूल न हुई और मैं उसी जगह काम करता रहा तो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दूं कि यकीनन यहां से मेरा ट्रांसफर होना मेरे हक में बेहतर नहीं था, और तू इतना रहीम और करीम है कि तूने मुझे ऐसी चीज से बचा लिया जो कल को मुझे नुकसान देती। ये सब हमारा ईमान है, लेकिन मैं करता उसके बिल्कुल बरक्स हूं। तो वो गीता की जो कोटेशन थी, मैं बहुत देर तक पछताता रहा कि मैं इस दफ्तर में आया ही क्यों, या मैंने उन साहब से ही उन कहा कि तर्जुमा बता दूंगे, वरना ये तमाचा मेरे मुंह पे न पड़ता। हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे की जो स्टेटिस्टिक्स सामने आई वो बड़ी हैरानकुन थी। कि लोगों की 40% प्रॉब्लम्स वो हैं जो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, हम उन्हें प्रॉब्लम्स समझते रहते हैं, दरहकीकत वो प्रॉब्लम्स होती नहीं है। थर्टी परसेंट हमारी प्रॉब्लम्स वो हैं जिनको हमने अपनी जहनी सोच की वजह से प्रॉब्लम बना लिया, जबकि वो बड़ी आसानी से अवॉइड की जा सकती थी। बाकी जो 30% प्रॉब्लम्स हैं वो फैक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ये फिगर्स भी बड़ी हैरानकुन है कि मुसलमान जो इस्लाम पर चलने का दावा रखता है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हो कि 40% तो वो हों जिनका कहीं वजूद ही नहीं है, 30% वो हों जो हमने अपनी सोच के जरिए से, अपने इरादों के जरिए से, अपने ख्वाहिशात के जरिए से चलती हुई चीजों को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग माली लिहाज से परेशान रहते हैं, यही इसी
जगह मैंने एक दिन अर्ज किया था कि हजरत अली करम लवजहो ने इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा एक प्रिंसिपल समझा दिया कि दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट को सोल्यूशन पेश नहीं कर सका था सिर्फ एक जुमले में। तमाम हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ एक जुमले में। हजरत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया कि मैंने अपने अखराजात इतने कम कर लिए कि मैं अमीर हो गया। तो हमारी प्रॉब्लम्स ये खुद ब खुद खत्म हो जाए अगर हम सिर्फ इसी एक जुमले पर अमल कर लें। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बच्चे नाफरमान उठे, ढीठ हैं, बात नहीं मानते। कुरान ने बहुत वाज़े अल्फाज में एक बात हमें कह दी कि बच्चे का मां बाप पर यह हक है कि मां बाप अपने वसाई के अंदर रहते हुए अपने बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत करें। हो ही जाता है कि हम तालीम पर तो तवज्जो दे देते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दिया, अपने वसाइल से बढ़कर अच्छे स्कूल में भेज दिया, लेकिन तरबियत नहीं हम कर पाते। बच्चों के सिलसिले में एक दूसरी प्रॉब्लम यह आती है हमें कि हम बच्चे को जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब के नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरा जुनैद बगदादी हो जाए, लेकिन खुद हम फिरौन के नक्शे कदम पर चलते रहते हैं जबकि बच्चा हमें रोल मॉडल बनाए हुए है और हमें कॉपी करता है। हम बच्चों को आजादी देने की बजाय ये चाहते हैं कि अगर हम जिंदा हैं और हमारे बच्चे की उम्र 60 साल भी हो गई है तो तब भी वो वैसा ही बिहेव करे जैसा वो 2 साल की उम्र में करता था, जबकि उसकी सोशल रिक्वायरमेंट्स तब्दील हो जाती हैं, बच्चे की ग्रोथ के मुख्तलिफ फेजेस आते हैं और उन फेजेस की वजह से बच्चे का बिहेवियर चेंज होता रहता है। मुख्तलिफ बच्चों में उनकी साइकोलॉजी, उनका सोशल एनवायरनमेंट, उनके पेरेंट्स के हालात, जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल के मामलात, जिन बच्चों के साथ वो मिक्सअप हो रहा है उनके हालात, ये वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि किस फेज की कौन सा फेज कितना अरसा परसिस्ट करेगा। इसे हम कबूल कर लें एक मसला जिंदगी का खत्म हो गया। बच्चा बड़ा हो गया, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, उसको इंडिपेंडेंट होने दें, मसला ही नहीं है कोई। तो बात बहुत दूर निकल गई जहां से शुरू हुई थी कि ये सर्वे ने तो उसको इस फॉर्म में दिया कि 40-30 एंड देन अगेन 30%, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये परसेंटेज 90-10 है कि हमारी जिंदगी में 90% हमने प्रॉब्लम्स वो पैदा कर ली हैं जो हमारी अपनी सोच का नतीजा है या लाइल्मी का नतीजा है, 10% प्रॉब्लम्स वो हैं जो फैक्चुअल हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम
अपनी जिंदगी को अल्लाह के इरादों के ताबे कर लें, अपनी तमाम सोच और अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को अल्लाह के इरादों के मातहत कर लें, तो हमारी जिंदगी से 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मैं और आप सभी हम दुआ करने वाले लोगों के पास दौड़े जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये दुआ करने वाले लोग हमेशा खुश बैठे होते हैं, जबकि उनके पास सर छुपाने के लिए महफूज छत भी नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़े भी काफी नहीं है, खुराक भी उनकी काफी नहीं। फकीर को यह नहीं पता कि इस वक्त जो खाना मैंने खा लिया अगला खाना कब खाऊंगा मैं, जेब भी खाली है, पैसा नहीं उसके पास होता, उसके बावजूद तो वो बड़ा खुश दिखाई देता है। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है अपने रब पर एतमाद, एक भरोसा अपने रब पर कि मेरा रब मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, मुझे वो पालेगा क्योंकि वह रब्बुल आलमीन है और मैं भी इसी आलम का एक हिस्सा हूं, वो मुझे भी पालेगा। यही एक यकीन उसकी जिंदगी में बावजूद दुनिया के वसाइल न होने के हकीकी खुशी ले आया है। दुआ करने वाले आदमी को कभी गमजदा नहीं देखेंगे। मेरे पास यहां एक साथ तशरीफ लाया करते थे, उनका इंतकाल हो गया काफी देर पहले, और तशरीफ लाए थे सिर्फ ये देखने कि इस आदमी ने ये क्या मदारीपन शुरू कर रखा है यहां। लेकिन फिर वो मुस्तकिल आने लगे मेरे पास और रफ्ता रफ्ता उनकी तबीयत में रब ताला इतनी बड़ी तब्दीली ले आया, हिकमत करते थे वो, उनका एक ही जवान बेटा था वो एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, लोगों ने आके उनके क्लिनिक पर बताया आपके बेटे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और उसकी लाश पड़ी है यहां से थोड़े पास ले गए। उनका अच्छा भी चलती है जो अल्लाह को मंजूर है। उन्होंने दो नफल नमाज अल्लाह के हजूर अदा की, एक्सीडेंट के सीन पर गए और लाश कर ले गए, बच्चे को दफनाए, अगले दिन फिर बैठे क्लिनिक में काम कर रहे थे। तो लोगों ने उनसे जो पूछा तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर मैं ये कहता हूं कि अल्लाह की अमानत है मेरे पास, मेरी औलाद अल्लाह ने अता की है, तो अमानत रखवाने वाले का हक है कि वो जब चाहे अपनी अमानत को मुझसे वापस तलब कर ले। तो जब उसकी अमानत थी, मैं तो एक अमानतदार था, बस ले गया उसको, उस पर रोना पीटना कहेगा। बाकी बहसियत बाप के जो मेरे जज्बात हैं, अगर मैं रोऊं वावेला करूं तो ये रब की कुदरत पर यकीन न रखने की अलामत बन जाएगा। और ये शुक्रगुजारी के खिलाफ होगा। मैं सिर्फ एक दुआ अल्लाह से कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे हौसला और सब्र अता कर दे कि मैं इस बड़े शौक को
उसकी रजा समझ के हंसता खेलता कबूल कर लो। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। ये जो गीता की एक कोटेशन में वहां सुनकर आया, मुझे जहन में था कि मैं आप लोगों के लिए गुजार कर दूं कि हम मुसलमान होते हुए भी किस तरह बुलाए फिर रहे हैं अपने रोजमर्रा के मामला के। अब वो जिसे हम काफिर कहते हैं वो क्या सबक सीख पढ़ा रहा है लोगों को? किसी साहब ने गैर मुस्लिम से सवाल भेजा है, in one of your audio lectures you mentioned a hadith qudsi that Allah says zamane ko bura na kaho kyunki zamana main khud hoon, elaborate it. hum log apni kotaiyon aur apni galtiyon aur apni khamiyon ki wajah se मुश्किलात का शिकार होते रहते हैं। कुरान पाक में भी है कि इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मास्वाय उसके अपने हाथ के। तो जो कुछ हम फेस करते हैं उसमें हमारे अमाल और हमारे रवैयों को दखल होता है, लेकिन हम इल्जाम जमाने को देते हैं कि जमाना ही खराब आ गया है। तो रब ताला ने उससे मना किया है अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकलवा के कि जमाने को बुरा ना कहो कि जमाना मैं खुद हूं। इससे मुराद ये है कि बजाय हम जमाने को इल्जाम दें अपनी तकालीफ के लिए, अपने मुसीबतों के लिए कि ये लोगों की वजह से हम पर मुसीबत आ गई, हम अपनी कोताहियों और अपने खामियों की जिम्मेदारी खुद कबूल करें कि हमारे ही रवैयों और हमारी ही हरकतों की वजह से हम ये मुश्किलात का शिकार हुए हैं। और जब एक बार हम तस्लीम कर लेंगे, ये इंसानी फितरत में है कि अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर सके, जो कि ज़रा दुश्वार होता है काम अपनी गलती को तस्लीम करना, तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है कि अपनी उस खामी उस कोताही और उस गुनाह को छोड़ दे। लेकिन अगर वो ब्लेम शिफ्ट करता रहे दूसरे पर तो वो खराबी उसकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसे ये अदराक ही नहीं हो पाता कि मेरी अपनी वजह से ये मामला खराब हो रहे हैं। उसके पीछे हिकमत ये है अजीज के पीछे कि हमें यह अदराक हो कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, गलत मुश्किल आई है, मुसीबत आई है, दुश्वारियां पैदा हो गई हैं, ये खुद हमारे ही कामों का नतीजा है। बजाय जमाने को बुरा कह के अपनी जान छोड़ा देने के, तो फिर हम अपनी कोताहियों को दुरुस्त करने की पोजीशन में आ जाएंगे। हिकमत उसके पीछे ये है। किसी साहब ने सूरह रहमान के फजाइल और उसकी ज़कात के बारे में पूछा है। सूरह रहमान के फजाइल बेपनाह हैं, इनको बयान करने के लिए कई दिन चाहिए होंगे, या तो ये हो सकता है कि अगर अगली इतवार में जिंदा हुआ तो फिर हम सूरह रहमान ही पर बात करें। एक तो ये सूरत है, तो दो तीन नशिस्तें हमारी
कि इसके फजाइल बयान करने में गुजर जाएंगे, लेकिन इतना मैं अर्ज कर दूं कि इसके फजाइल भी बेपनाह हैं और इसकी तलावत से पैदा होने वाले असरात भी बेतहाशा हैं। इस सूरत की तलावत करने वाला शख्स अगर वो रेगुलरली कर रहा है सुबह और शाम, तो सबूफ की बड़ी बुलंदियों पर चला जाता है और दुनियावी मालो जर से कभी तंग नहीं होता। अल्लाह ताला इस अपने इस कलाम के सदके ऐसी बरकत अता फरमा देता है कि थोड़ी इनकम में बहुत बरकत पैदा हो जाती है, उसके तमाम अखराजात बखूबी पूरे हो जाते हैं और उसके बावजूद बच रहा था, लेकिन इसके फजाइल पूरी तरह मैं नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। ये अलहमीद अल्लाह का एक नाम है, या हमीद हो या अलहमीद, इसके बारे में एक साहब ने पूछा है कि इसका वर्द किया जा सकता है, तादाद भी बता दें। मैं कई बार कर चुका कि मैन टू मैन वेरी कर जाती है ये तादाद, हर आदमी की बॉडी केमिस्ट्री के मुताबिक तादाद वेरी कर जाएगी, इसकी कोई जनरल तादाद नहीं है। इसको पढ़ने से इंसान की तबीयत में बहुत नरमी पैदा हो जाती है, इसके असरात ही हैं, बहुत नरम दिल हो जाएगा बंदा, पाकीजगी और सफाई की तरफ ज्यादा मायल हो जाएगा। जिन साहब ने भी कहा है मुझसे किसी को अलहदा अगर मिले तो मैं उन्हें इसकी तादाद बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि वो इसे पढ़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि हर शख्स एक ही चीज को नहीं पढ़ सके। एक सवाल मैं खुद नहीं समझ पा रहा, प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ विद एग्जांपल्स। इस्लामिक लॉज अल्लाह के बनाए हुए हैं, किसी इंसान के नहीं। इसका मेन सोर्स यहां से इस्लामिक लॉज आए हैं वो रब ताला है। कुरान में इस्लामिक लॉज बयान किए गए हैं, कुछ जगहों पर सिंबॉलिक हैं, कुछ में कहीं मिसालें दी गई हैं, तमसीलन समझाया गया है, कुछ पर बहुत एक्सप्लेन कर दिया गया है। सोर्स तो एक ही है, वो है अल्लाह ताला, और कुरान में ये तहरीर हुए हुए हैं जो वही के जरिए उतारे गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर इसकी इंटरप्रिटेशन सही मायनों में देखनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इस्लाम की अमली शक्ल है, इस्लाम की किताब की किताबी शक्ल कुरान है और अमली शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पूरी तरह अपनी जिंदगी पर मुंतबिक किया हुआ था। अगर उसको देखना चाहें हम
कि किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नजर डाल लें। आपके रवैये, आपके आपका बर्ताव, आपका सलूक, आपके अकदामात, उस पर उसकी इंटरप्रिटेशन वहां से मिल जाएगी। एक सवाल है जो जरा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इससे एक चीज में मुझे याद आ गई। यहां शायद किसी दिन मैंने ये अर्ज किया था कि हर रूह का अपना एक लफ्ज है, अगर वो पढ़ा जाए तो उस रूह में लताफत बड़ी तेजी से पैदा होती है। वो एक सरसरी सा जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद मुझसे बहुत से हजरात से मुलाकात हुई और हर आदमी हमें से इंटरेस्टेड था कि वो लफ्ज मेरी रूह के मुताबिक जो है वो मुझे बता दिया जाए। एक बात मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, कुरान हम 24 घंटे तलावत करते रहे, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं करते, उसके मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियां नहीं लाते, तो सवाब तो मिलता रहेगा लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा हमें। इसी तरह अपने अंदर से तब्दीली लाए बगैर मैं कितना ही अपनी रूह के मुताबिक जो लफ्ज है वो पढ़ता रहूं, सवाब तो मिल जाएगा लेकिन उसका फल नहीं खा पाऊंगा मैं। उस लफ्ज का फल खाने के लिए मुझे अपनी फितरत से झूठ को निकालना होगा, दूसरों का हक मारना निकालना होगा, दूसरे के काम आने का जज्बा पैदा करना होगा, किसी के काम आने के बाद उससे किसी अजर की तो रखना निकालना होगा, किसी के काम अगर धूले से में आ गया तो उसको जताना, वो निकालना होगा, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना पैदा करना होगा। जब ये हम कर लेंगे ये सब कुछ, फिर जब उस लफ्ज को हम पढ़ेंगे तो यकीनन उसका फल हमें मिलेगा। तो उस जस्तजू में पढ़ने की बजाय पहले हम इस जस्तजू में चले जाएं कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इस्लाम के असूलों की खिलाफवर्जी करते हैं उसको हम अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकें। उफ और दरगुजर अपने अंदर हमें पैदा करना होगी, दूसरों की पर्दादारी की सिफत अपने अंदर हमें पैदा करना होगी, खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाना वो सिर्फ पैदा करना होगी, दूसरों का हक ना मारें हम किसी तरह वो पैदा कर लें वो भी। जब ये हम सब कर लेंगे उसके बाद जब पढ़ेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि जो कुछ मैं आज हूं मैं इसी तरह रहूं और कोई सा भी कितना ही जलाली वजीफा कितना ही जोरावर वजीफा पढ़ूं उसका फल नहीं मिलेगा मुझे, अपने अंदर पहले तब्दीली हम ले आएं, उसके बाद अगर पढ़ेंगे तो हमें उसके उसका सवाब भी मिलेगा उसका फल भी मिलेगा, दोनों बातें हो जाएंगी। ये सवाल जिससे ये बात याद आई थी वो मैं अर्ज कर देता हूं।
कि जो शख्स अपनी रूह की मुनासिबत से कोई वर्द या वजीफा पढ़ता रहता है उसके क्या क्या उसके असर उस शख्स के बदन पर भी पड़ते हैं। इसके 99.9% असरात तो रूह पर मरतब होते हैं, इंसान के किरदार पर मरतब होते हैं। जो 0.1% इसमें से मैंने अलहदा किया था वो ये है कि उस शख्स के चेहरे पर उसके बातिन के नूर की चमक आ जाती है, चेहरे पर नरमाहट आ जाएगी उसके, उसकी आंखों में बहुत नरमी होगी। जो शख्स भी उसकी आंखों को एक बार देखेगा तो एकदम से एहसास पैदा होगा उसमें कि जिसकी आंखों को देखा है मैंने, ये शख्स कोई नेक आदमी है। बहुत नरमाहट और बहुत मोहब्बत होगी आंखों में, ज्यादा असर इसका आंखों पर पड़ता है और दूसरा फिर उससे कम चेहरे पर, बहुत नरमी और उसकी पढ़ने वाले की जिस्म से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, कितना उसने पढ़ा, किस मकान पर चला गया पढ़ता पढ़ता, उस मुनासिबत से उस शख्स के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और जो शख्स भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है वो यूं महसूस करता है कि मैं किसी साए के नीचे आ गया, एक ऐसी मजबूत छत मेरे सर पर आ गई है कि जिसके होते हुए मुझ तक तूफान पहुंच नहीं पाएगा। ये तो प्रोटेक्शन का एहसास पैदा होता है उस आदमी के साथ मिलकर। एक ये खारजी असर है जो उसकी बॉडी से एमिट हो रहा होता है हर वक्त, वो दरअसल वो वाइब्रेशंस हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होता है उसके बॉडी के गिर्द, उसके जरिए असर ये एहसास पैदा होता है। खारिजी तौर पर तो ये चीजें ये तब्दीलियां मरतब होती हैं, बाकी बदन उसका वैसे का वैसा रहता है, दो हाथ रहते हैं, दो पांव रहेंगे, आंखें भी दो ही रहेंगी, ऐसा नहीं होता कि चार हाथ हो जाए गाय दो और मजीद, बदन कोई बदनी तब्दीली नहीं है। क्योंकि ये जो लफ्ज हैं इनका ताल्लुक तमाम का अल्लाह ताला से है, आसमान से है और वहां तक रसाई सिर्फ रूह की है, इस जिसमें खाकी की नहीं है। इसलिए जो भी तब्दीलियां वाकई होंगी वो रूह ही पर होंगी। मांसवाए छोटी सी तब्दीली जो मैंने अर्ज की आपसे, दूसरा सवाल इन साहब ने किया है कि हाल ही में गुजरने वाले रमजान और मुबारक में शबे कदर किस रात को गुजरी थी, अगर मुझे ये पता चल जाए कि शबे कदर किस रात को गुजरी थी, माजी की बात है, उससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा और अगर मैं ये सोचूं कि पिछले रमजान में 21वीं रात को शबे कदर थी तो ये सोच लूं कि अगली रात अगले रमजान में भी होगी तो वो मुमकिन ही नहीं है। हम कुछ ऐसी बातों के कुरेज में रहते हैं जिनका हमें कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह ने जिस बात पर पर्दा डाला है हम उसकी कुरेद में क्यों नहीं हैं? ये तो हर साल तब्दील होती रहती है रात, कभी 21वीं शब को आ जाएगी, कभी 23वीं को आ जाएगी, कभी 25वीं, कभी 29वीं, 27वीं, ये हमेशा एक ही रात को नहीं होती। इसलिए इसके जानने का फायदा क्या है? और सबसे बड़ी बात इसमें ये हमें सोचना चाहिए कि इस बात पर अल्लाह ने पर्दा डाला है तो हम उसकी कुरेद क्यों करें। किसी और साहब ने एक सवाल पूछा कि दुरूद इब्राहिमी की जकात के हवाले से दौरे सगीर और दौरे कबीर
रहनुमाई फरमा दें। एक लाख 25,000 मरतबा दौरे सगीर है और 11,00,000 मरतबा दौरे कबीर है। एक साहब को मैं जानता हूं, उनसे बहुत देर पहले मुलाकात हुई थी। वो एक दिन में 1,25,000 24 घंटे में पढ़ते थे, लेकिन उसका एक नुकसान क्या हुआ कि वो चूंकि 20-22 घंटे इसी में मशगूल रहते थे कि 1,25,000 पढ़ लूं मैं, तो अल्लाह ने हम पर जो फराइज आयद किए हैं कि रिज़्क़ हलाल कमा कर हम खाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज बहुत पसंद थी कि इंसान अपने हाथों से कमा कर खाए। अल्लाह ने हम पर फराइज आयद किए हैं कि हम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें प्रॉपरली, उनके फलाह बहबूद की जिम्मेदारी हम पर है। अल्लाह ने हम पर फर्ज आयद किया है कि हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, उनको लुक आफ्टर करें। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, एहसान का सलूक करें। तो एक शख्स जो हमें वक्त इबादत में मशगूल हो गया तो ना अपने लिए वो रिज़्क़ हलाल कमा सका, ना अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सका, ना अपने मां बाप और रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक कर सका। एक बात याद रखिए कि नवाफिल के लिए फर्ज को कुर्बान नहीं किया जा सकता, फर्ज को फजीलत हासिल है वाजिब पर और नफली इबादत पर। तो हम अपने फराइज से कोताही करके जिसके लिए हम अल्लाह को जवाब दें, यौम हिसाब हमसे पूछ लिया जाएगा कि तुमने ये क्या किया है इनके साथ, तो हम अपने आप को जवाबदेह बना रहे हैं उन फराइज से मुंह मोड़ के। इसके साथ साथ एक और चीज है इसमें कि अगर एक दिन में हमने 1,25,000 पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने इबादत में भी एतदाल इख्तियार करने को हमें कहा है। एक्सेसिस से इबादत में भी मना किया। इबादत वही अच्छी है जो हम सहूलत से रेगुलरली कर सकें। तो हम अपने फराइज समूह न मोड़े नफली इबादत के लिए कि हमें जवाब दे होना है अल्लाह के हजूर यौम हिसाब कि ये चीजें हम पर फर्ज थी वो हमने पूरी नहीं की। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने फराइज की तरफ पूरी तरह से तवज्जो दे दें और उसको ऐसे तरीके से पूरा करें, इतने आसान तरीके से कि हम पर कोई बोझ बाकी न रह जाए उसका। जो हमारा अपना टाइम रह जाता है ये फराइज पूरे करने के बाद, वो बेशक हम इबादत में सर्व कर दें। ये मैं आपको उससे इबादत से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक तवाज़ुन कायम रखने के लिए आपसे अर्ज किया है। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं इबादत से मना करूं, लेकिन फर्ज इबादत पहले आएंगी, उसके बाद वाजिब इबादत आएंगी, फिर नफली इबादत आएंगी।
इन्हीं साहब ने ये सवाल पूछा है कि क्या साहिब कश्फ साहिब करामत भी होता है। अमूमी तौर पर बुजुर्गान के हवाले से साहिब कश्फ करामात पढ़ने में आता है। जुबान दानी उसके अपने कुछ तकाजे हैं, जो अल्फाज हमारी जुबान से निकलते हैं उनकी अपनी एक वोकल ब्यूटी है, जो सेंटेंस हम अदा करते हैं जुबान से उसकी अगर कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अगर खूबसूरत नहीं है तो उसकी वोकल ब्यूटी पे असर आता है, उसके असर अंदाजी में भी असर फर्क आ जाएगा। कुछ लोगों की जुबान से निकली हुई बात दूसरे इंसान पर असर रखती है, हम उसे कहते हैं कि फला शख्स बड़ा खुश गुफ्तार है। उसकी वजह यह है कि अल्फाज का चुनाव वो उनका बड़ा खूब होता है, दूसरा उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बहुत खूबसूरत होती है, अल्फाज जो चुनते हैं उसकी वोकल ब्यूटी बहुत होती है इसमें। वो गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगू कहलाती है। इसी तरह जो साहिब तहरीर हैं लोग अदीब लोग हैं जो लिखते हैं वो अगर प्रॉपर अल्फाज न लिखें, ऐसे अल्फाज न लिखें जिनकी जिनका अपना एक हुस्न है, एक ही लफ्ज हर जगह के लिए नहीं बना है, तो अल्फाज चुनते हुए अदीब लोग इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो उस जगह पर हो सकता है वही चुना जाए, वही लिखा जाए, तो उनकी तहरीर में वो असर पैदा होता है। नतीजा ये होता है कि बाज़कात ये तहरीर की खूबसूरती लाते लाते हम हकायक से जरा सा हट जाते हैं। एक बहुत बड़े अदीब थे, उन्होंने अपनी किताब में मेरे बारे में कुछ जिक्र किया, जो जिक्र किया तो उन्होंने लिखा कि शाह साहब का घर बड़ा मामूली सा घर था, उसका ड्राइंग रूम पुराने जमाने की बैठक जैसा था और मेरे बाहर बुलाने पर जब शाह साहब आए तो नंगे पांव आए। मेरे लिए तो इसकी कोई हैसियत नहीं है कि किसी ने क्या कहा मेरे बारे में, कहते रहिए, लेकिन वो साहब जब तशरीफ लाए घर पे तो बेगम साहबा जाहो जलाल के आलम में थी ये लिखे जाने पर कि बहुत ही मामूली सा मकान था और ड्राइंग रूम जो था वो पुराने जमाने की बैठक था, तो फौरन उन्होंने उनसे कहा कि ये आपने क्या लिख दिया। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बीबी बात यह है कि तहरीर में असर पैदा करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें लिख देना पड़ती हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। तो बुजुर्गान दीन के बारे में जो लिखा गया कि साहिब कश्फ करामात, तो ये अदबी एक्सप्रेशन है असल में। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके बारे में लिखा गया साहिब कश्फ करामात वो साहिब कश्फ भी है और साहिब करामत भी है। ये सिर्फ तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए दोनों चीजें एक वक्त में इकट्ठी कर दी जाती। लेकिन
किसी साहब के साहिब कशफ करामात होने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, अगर वो साहिब इल्म है और हम इस जस्तजू में हैं कि जिस चीज ने उसे साहिब कशफ करामात बनाया था हम वो ही हासिल कर लें उससे, ताकि कल को हम भी साहिब कशफ करामात हो जाएं, तो एक बात भी बनेगी। तो इस जस्तजू में ना रहे हम कि साहिब कशफ करामात जिसके बारे में लिखा गया क्या वो साहिब करामत भी था और साहिब कशफ भी था, से क्या फर्क पड़ता है। डेरोगेटरी अंदाज में एक चीज बयान की जाती है पर्शियन में, पिछले सुल्तान बुद्ध, ये वहां डेरोगेटरी रिमार्क है किसी के बारे में कि उसको सिर्फ इसी बात पर बड़ा फख्र है कि मैं सुल्तान का बेटा हूं। वो जहां ये एक्सप्रेशन दिया जाता है, ये प्रवर्ब कहा जाता है पिछले सुल्तान बुद्ध, वहां मुराद ये होती है कि तुम सभी कुछ हो लेकिन खुद क्या हो ये तो बता दो। तो हम किसी शख्स की कशफ करामात को बताते फिरे, उसका ढंडोरा पीटते फिरे, तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। तो ऐसी चीज जो हमें न नफा देती न नुकसान देती है हम उसकी तलाश में क्यों जाएं। हाँ, उसका इल्म जो है उस आदमी के पास, अगर वो साहिब इल्म है, वो काम की चीज है, उससे वो ले लिया जाए तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। तो इस जस्तजू में रहिए कि क्या साहिब कशफ करामात को साहिब इल्म भी है या नहीं है, उससे वो इल्म छीना जाए किसी तरह, ताकि हमें फायदा हो जाए उससे, इंशाअल्लाह ताला। बशर्ते जिंदगी, नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी।